स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हो मालिक? सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग आए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, तो चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ पर आपको साइकिल मिलेगा जो कि 2 घंटे 80 रुपए, सामने आपको दिख रहा होगा, पर स्टैंड में है सिर्फ एक साइकिल। देखिए सामने बस भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी डायरेक्ट कनेरी केव्स, और ये जो वैन जा रहा है तो ये भी जाएगा कनेरी केव्स। वहाँ पे आपको साइकिल मिलेगी जो कि 2 घंटे के लिए 80 रुपये चार्ज करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया है अपना साइकिल। जैसे 2 घंटे 80 रुपये हो गए, फिर और आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो 20-20 रुपये वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये रहे बहुत सारे यहाँ पे साइकिल्स खड़े हुए, अगर यहाँ पर भी ख़त्म हो गए तो पीछे ब्लू शर्ट दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब बाहर से आओगे मेन गेट के पास ही, बाहर कुछ लोग प्राइवेट वाले लोग हैं, वो लोग आपसे 150 चार्ज करेंगे एक साइकिल का। अंदर साइकिल लाने के लिए भी 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग, तो देख लीजिए मतलब ऑलमोस्ट 200 लग जाएगा एक साइकिल को अंदर आने के लिए। तो उससे अच्छा है आप अंदर आइए, अंदर 2 घंटे का 80 रुपये 2 साइकिल एकदम मस्त लेके चलिए। तो जी आपको जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी मिल जाएगा, प्लस आपको शौचालय यहाँ पर हर एक 20 कदम पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए उधर है, तो टेंशन नहीं लेने का। आज हम दोनों को भीगना था, तो क्यों ना सोचे कि संजय गांधी नेशनल पार्क में जाके भीगा जाए साइकिलिंग करते करते। तो आज तो फ्राइडे है, मतलब उतना पब्लिक तो नहीं है आज, बट अगर आप सैटरडे या संडे वीकेंड्स पे आओगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी पब्लिक मिलेगी। तो चलते हैं अभी आगे। विशाल जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कनेरी केव्स अभी 4 किलोमीटर दूर है, तो उसका बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ। चलते हैं फिर अभी आगे। यहाँ पर आज स्टूडेंट्स बहुत सारे आए हैं, लगता है बंक वंक मारा होगा वो लोगों ने, तो इसलिए घूम रहे हैं आज पार्क में। बहुत शांति है आसपास। संजय गांधी नेशनल पार्क ऑल ओवर मुंबई में, जो कि बीच मुंबई में बसा हुआ है। अभी हम लोगों को लग नहीं रहा है कि हम लोग मुंबई में हैं, लग तो रहा है कि भिवपुरी, करजत या फिर आउटसाइड मुंबई कहीं तो है, बट ओहो, सामने देखिए एक छोटा सा ब्रिज आया है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओहो, ये देखिए, वाह, क्या मस्त है यार। तो जी बीच बीच में खड़ी चढ़ाई है, तो अभी चढ़ाई चल रही है। तो आप आसपास देख सकते हो यहाँ पे गांव है, बीच बीच में गांव बसे हैं इसके अंदर, आप सामने देख सकते हो। तो बीच मुंबई के सिटी में अगर आपको ऐसा हरा भरा मिल रहा है तो रेनी सीजन में तो यहाँ पर आना बनता तो है। तो जी चलते चलते फिर से एक और ब्रिज आ चुका है जिसको रेलिंग नहीं है, और विशाल जी फिर से एक्साइटेड होते हुए, कितना खूबसूरत नजारा है ये। वाह, मुंबई का पानी बरसता इतना तेज, ओह माय गॉड, तो जी थोड़ा सा उधर जाके आते हैं, यहाँ पे दादाजी जाते हुए आप सामने देख सकते हो, वो भी मानसून के हसीन पल गुजारने आए हैं यहाँ पे। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के बीच सिटी में 104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क को SGNP भी कहा जाता है, और इसका जो इस्टेब्लिश किया था वो 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, जो मेन हेडक्वार्टर्स है, वो है बोरीवली में।
1945 में एक फॉरेस्ट एक्ट निकला था, इस पूरे घने जंगल को एक फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया था। 1962 में ना ये सिर्फ फॉरेस्ट था 20 स्क्वायर किलोमीटर, वैसे ही बढ़ते बढ़ते ये 104 स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, थाने, यहाँ तक फैला हुआ है ये। यहाँ पे जो कनेरी केव्स बने हैं वो 1st to 5th century के बीच में बने हैं, और उसी समय पे जो सोपारा और कल्याण वो दोनों का एक ट्रेड रूट चलता था संजय गांधी नेशनल पार्क के बीच में से। कल्याण से फिर वो जाते थे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि ग्रीस, फ्रांस, पोर्चुगल, और मिडल ईस्ट जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि आज इराक कहा जाता है। जो ट्रेड रूट था वो सोपारा से कल्याण टोटल 45 किलोमीटर्स था। और यहाँ पर आप बीच में देखे होंगे, स्टार्टिंग में आपने एक ट्रैक्स का वीडियो देखा होगा, तो वो है एक छोटा सा टॉय ट्रेन चलता है यहाँ पे जिसका नाम है वन रानी, जी हाँ, फॉरेस्ट की क्वीन। तो वो ना 25 साल काम करने के बाद 2001 में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर बाद में 4 साल बाद जो कि 2004 में 30 लाख रुपये डाल के उसको ठीक करवाया, बट अभी भी वो शायद चलती होगी। अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं है उसका और ना ही उसका टिकट पूछा है हम लोगों ने, तो जाते वक्त मैं पूछूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पहले तो ये कृष्णागिरी जो कि एक ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता था, फिर जैसे ही इंदिरा गांधी के बड़े बेटे जिनका नाम था संजय गांधी, तो उन्हीं के नाम पर ये संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया। तब से लेकर आज तक ये एज अ बायोडाइवर्सिटी, एज अ नेशनल पार्क इसको कंजर्व करके रखा है। और बीच में बोरीवली से डायरेक्ट कल्याण का एक रोड बनाने वाले थे इसके बीच में से। एक सोशल एक्टिविस्ट थे, या फिर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो उन्होंने केस कर दिया। और मज़े की बात यह है कि वो केस जीत भी गए कि ये पूरा फ्लोरा एंड फौना को बिगाड़ते हुए इस ट्रीज़ को, इस ग्रीनरी को जो हमको ज़िंदगी देती है, उसे ही बिगाड़ के हम लोग यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता निकाल रहे थे बोरीवली से कल्याण तक का, जो कि पहले एक ट्रेड रूट था, सेम उसी को दोहरा रहे थे। अदालत ने अपना फैसला सही सुनाया था। तो जी अभी ये जो पीछे देख रहे हो आप, तो ये दूसरा गेट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और आसपास इतनी शांति है, इतनी शांति है कि बता नहीं सकता आपको, इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे। और इसी सुकून में ना यहाँ पे लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। 2004 में क्या हुआ था कि 4-5 जो एकदम जंगली लेपर्ड्स थे वो लोग एंटर कर लिए थे थाने सिटी में, और वहाँ पर उन्होंने 10-12 लोगों को नहीं, टोटल 20 लोगों को एक ही हफ्ते में मार दिया था। तो उसी बदमाश लेपर्ड्स को अंडर अरेस्ट कर लिया और उनको कहीं दूर लेके जा कर के दूसरे नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया। तो जो भी एकदम शांत लेपर्ड्स थे उनको यहीं पे रखा गया। और आप सामने देख सकते हो वो रहे कनेरी केव्स, यहाँ से इतना खूबसूरत दिख रहा है वो वाटरफॉल सामने देखिए, और चढ़ाव है। तो साइकिल लाने का ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पे आकर के चढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे नीचे आपको पार्किंग मिल जाएगा, वहाँ पे एक छोटा मोटा शॉप भी है जो कि मक्के बेच रहे थे, वो वहाँ पे आप पार कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे नींबू पानी, कोकम शरबत, मेज़ जो कि कॉर्न होता है वो सब मिल जाएगा। और ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट, आप सामने देख सकते हो, चढ़ना है और आगे सीढ़ियों पे। ऑफिशियली अभी कनेरी केव्स में एंटर करते हुए अभी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं हमें। आगे सामने है टिकट काउंटर, बताता हूँ मैं आपको टिकट कितना है। तो जी हम लोग वहाँ से टिकट लिया है अभी 25 रुपये, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल टिकट प्राइस है। देखिए डस्टबिन में ना किसी ने कुछ फेंका होगा खा के, ये वही खा रहा है।
तो जी टिकट लेके हम लोग वहाँ से आए हैं। अभी आप सामने देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा ये लोगों ने गार्डन यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। रास्ता देखिए कितना क्लीन है, एक भी कचरा उधर इधर नहीं, सब कुछ अपने जगह पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे नंबर वन केव के पास। तो जी ये पूरा ना रॉक कट आर्किटेक्चर है, आप देखोगे सामने तो एक पूरे ब्लैक पत्थर को इन्होंने कार्व करके इतना अच्छा केव बनाया है, आप सामने देख सकते हो। और ये रॉक कटिंग किया गया था फर्स्ट से नाइन्थ सेंचुरी के बीच में, जो कि बुद्धिस्ट केव्स इनको कहा जाता है। तो अंदर और है, ये पूरा वरांडा आप देख सकते हो नीचे, ये पूरा वरांडा था, ऊपर एकदम ओपन है, सामने खूबसूरत सा एक केव जो कि मोस्ट प्रोबेबली बुद्धिस्ट मंक्स बुद्धा के जो टीचिंग्स थे, जो लर्निंग्स थे उनके, दुनिया में वो लोग उसको प्रचार करने निकले थे। तो कई सारे किंग्स थे नियर बाई, वो लोग उनको होस्ट करते थे, तो उनको होस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जगह ये चुना गया। क्या बोल रहे थे तुम, कौन से भगवान है वो? विशाल जी बोल रहे हैं कि वो राम भगवान है। कौन है वो? हाँ वो भी बुद्ध भगवान है। ये रहा थर्ड केव, कनेरी केव्स का थर्ड केव, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केव माना जाता है। इसे कहते हैं चैत्य गृह, जो कि प्रेयरिंग हॉल था, और इसे सत्यवाना डायनेस्टी में दो ब्रदर्स थे जो कि मर्चेंट्स थे, जिनका नाम था गजसेना और गजमिता, उन्होंने इसे कार्व किया। थोड़ा सा अगर आप उधर से आ जाओगे तो आप सेवंथ केव के पास लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर भी दो वाटर टैंक बना हुआ है। वाटर टैंक तो स्पेशली ये देखिए अंदर से ये कार्व करके बनाया है, पानी पूरा ऊपर तक आ चुका है, पर उससे बड़ा ब्रह्म इंस्क्रिप्शन में इसको लिखा गया है। तो जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी केव्स सेम टू सेम दिखते हैं, और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी हरियाली आप साइड में देखोगे तो एक सुंदर सा स्ट्रीम बह रहा है। तो जी ये रहा फेमस केव नंबर 41। ये फेमस इसलिए है क्योंकि आपको मैं अभी दिखाऊंगा, सामने देख सकते हो राइट में इतने ही केव को वो लोगों ने स्पेशली कुंडी लगा करके रखा है, पर आज कुंडी खुला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ सामने क्या है। तो आप देख सकते हो सामने कि पूरी दुनिया में एक ही जो स्टैचू बना है वो है 11 हेडेड बुद्धा, जिसे कहा जाता है अवलोकितेश्वरा, आप सामने देख सकते हो। ये रहा 14, 15 और उधर है 16, तो टोटल उधर एक 17 है। तो टोटल ये केव्स जितने भी आप देख रहे हो सामने, ये काफ़ी नाजुक हो चुके हैं,
और आप सामने देख सकते हो, ये देखो कितनी नाजुकी से ये लोग अभी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सामने देखोगे तो पानी ना एकदम क्रैक कर दिया है टपक टपक के, देखिए पानी टपक रहा है उधर। तो रिस्क हो सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं हमारे एग्जिट गेट के पास। अभी सिर्फ साइकिल उनको दे देना है और जो डिपॉजिट दिया था 600 रुपये वो हमको वापस लेना है। आप देख सकते हो कि संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ, आप अकेले आ सकते हो। अगर आप अकेले आ रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप साइकिल ले लोगे तो सबसे बेस्ट आपको पड़ेगा। और पीछे देख सकते हो अंकल जा रहे हैं वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए। तो बहुत लोग यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आते हैं, बहुत लोग वॉकिंग करते हैं एवरी डे नियर बाई सोसाइटी लोग। अगर आप दूर रहते हैं बोरीवली से तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। यहाँ पर कनेरी केव्स है, कनेरी केव्स आप देख सकते हो। यहाँ पे जंगल सफारी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दिया हूँ जंगल सफारी का, तो आप एक बार देख लेना। फिर उसके बाद अभी जो हिरन देखा है आपने, तो थोड़ा सा लेफ्ट में लेकर के गाँव में अगर थोड़ा जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे बच्चे मिले हम लोग तो वहीं के आसपास वो हिरन मिल जाएंगे आपको, जो कि चीतल बोलते हैं डॉटेड हिरन्स को। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।